दोस्तों महिंद्रा पिकअप के अंदर आ गई है मैक्स मॉडल फिर से। इस बार आप देख सकते हैं कि मैक्स को अपग्रेड करके जो सालों पहला मैक्स जो सीरीज निकाली थी महिंद्रा बोलेरो पिकअप ने, इस बार फिर से इसको अपग्रेड करके मैक्स HD 2.0 यानी कि 2 टन कैपेसिटी वाली, 2 टन पेलोड वाली गाड़ी पहली बार महिंद्रा के अंदर आ चुकी है। और इस गाड़ी के अंदर बहुत सारा चेंजेस आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं इसका पेलोड बढ़ा दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें नई नई अपग्रेड कर दी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आपका एक बार स्वागत है सुपर मोटर बॉडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगती है। तो पूरा वीडियो हम आपको बताते हैं, गाड़ी के अंदर डिटेल बताते हैं गाड़ी की कि क्या क्या इसमें चेंज किया है और क्या क्या नया दिया है। तो सबसे पहले हम आगे के फ्रंट से शुरुआत करते हैं। तो गाड़ी आप देख सकते हैं फुली एक नई डिज़ाइन के अंदर गाड़ी अपग्रेड की है। पहला जो मैक्स मॉडल आता था गोल लाइट आती थी, उसके बाद बोलेरो बनी, पिकअप आई, पिकअप में बहुत सारा चेंज हुआ। इस बार आप देख सकते हैं तो एक नया प्रीमियम लुक आपको बोलेरो पिकअप 0 के अंदर मिलने वाला है। मैक्स सीरीज के अंदर आपको सबको ये केबिन मिलेगा। ये 2.0 HD है, आई मैक्स टेक्नोलॉजी के साथ आई है गाड़ी, नया वेरिएंट है। और इसके हेडलैम्प वगैरह आप देख सकते हैं जो बोलेरो पैसेंजर गाड़ी में आते हैं ना, उस कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। आगे की ग्रिल शानदार है, ब्लैक कलर के अंदर दी है महिंद्रा का, यहाँ पर बेजिंग वगैरह साथ में। बोनेट को उठाकर थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, इस बार बोनेट आप देख सकते हैं थोड़ा शॉर्ट हो गया है। और हाइट आपको दिख रही होगी गाड़ी की, हाइट कितनी ज़बरदस्त ऊंचाई हो गई है गाड़ी में। गाड़ी यहाँ पर आ रही, लेवल यहाँ आ रहा है गाड़ी का। तो क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, मैं आपको बड़े बड़े बदलाव दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो इसके जो टायर हैं, टायर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर 16 इंची यानी कि 16 इंची के टायर आपको इसमें अब मिलने वाले हैं, जो कि पहला जितनी भी बोलेरो पिकअप आती थी उसके अंदर 15 इंची के ही टायर थे। अब इसके अंदर 16 इंची के टायर आपको मिलने वाले हैं। गाड़ी के अंदर डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम कर, सॉरी मैक्स पिकअप का यहाँ पर लोगो देख सकते हैं, साइड इंडिकेटर उसी जगह पर है। ग्लास वगैरह, विंडशील्ड आप देख सकते हैं, पहला बोलेरो के अंदर रबड़ की जो घोट आती थी उसके साथ यहाँ पर ग्लास फिट होता था। अब ये आप देख सकते हैं ये नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो कारों के अंदर होता है वो वाला, इसके अंदर ग्लास वगैरह की फिटिंग आपको मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड मिरर है वो भी बड़ा कर दिया गया, थार वाला साइड ग्लास आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो थार गाड़ी के अंदर आता है महिंद्रा की वो उसके अंदर मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केबिन की डिज़ाइन काफ़ी शानदार है, केबिन बहुत बड़ा है, अंदर से स्पेसफुल है, केबिन में बहुत सारी जगह है। केबिन भी अंदर से आपको बाद में दिखाएंगे, उससे पहले आप आपको दिखा देते हैं इसकी छोटी छोटी जानकारियाँ। गाड़ी के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे कि सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये है HD सीरीज 2.0, यानी कि अब आप को माल भरने का कोई झंझट नहीं रहा, अब आप इसके अंदर 2 टन तक माल भर सकते हैं, यानी कि 2000 किलो तक आप इसके अंदर इसको लोड कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात, गाड़ी के अंदर जो डाला दिया है जो लोडिंग कार्गो बॉडी जो कंपनी के साथ आती है वो आपको पूरा 10 फीट का मिलने वाला है। लंबाई इसकी 10 फीट है, चौड़ाई के अंदर ये 6 फीट रहेगा और काफ़ी माल इसके अंदर आपके आ सकता है, इतना बड़ा कार्गो बॉडी आपको महिंद्रा साथ में दे रही है। प्लस यहाँ पर देख सकते हैं टायरों की वजह से गाड़ी हो चुकी है रोड से काफ़ी ऊँची हो गई है, साइड कबानी है, पत्ते के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है, कबानी के अंदर भी पत्ते एक्स्ट्रा कर दिए हैं पहला से। वो पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ गाड़ी के अंदर माइनर चीज़ें आप नोट करें तो बहुत सारी फैसिलिटी और बहुत सारी छोटी छोटी माइनर जो प्रॉब्लम आती थी वो सब चेंज कर दिया महिंद्रा ने। इस बार काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है मैक्स सीरीज निकालकर। मैक्स सीरीज के अंदर आपको 1.3, 1.5, 1.7 और 2.0 चार वेरिएंट आपको मिलेंगे। चार वेरिएंट के अंदर चार और वेरिएंट मिलेंगे आपको, LXi, VXi, जैसे कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये डाले के साथ है, इसके अंदर आप कार्गो बॉडी ले सकते हैं और चेचिस भी ले सकते हैं, यानी कि CBC, कैबिन विथ बॉडी, कैबिन विथ चेचिस और कैबिन विथ बॉडी, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें। एक तो डाला मिल रहा है साथ में, वो दूसरी बात आपको इसमें CBC मिलेगा, जो चेचिस मिलेगा इससे आप मन चाहिए अपनी बॉडी बनवा सकते हैं मार्केट में। CBC लेने का मतलब कि आप अपने हिसाब से उस पर बॉडी बिल्ड करवा सकते हैं, जो भी आप चाहें उसमें अपना काम करवा सकते हैं। अब पीछे का आप देखेंगे थोड़ा सा, तो पीछे के अंदर आपको एक बड़ा सा डाला मिल रहा है इसके अंदर, साथ ही में यहाँ पर जो ब्रेक लाइट्स आपको देख रहे हैं ये टेल लैम्प जिसको बोल सकते हैं, ये LED वाले हैं। पहला जो आते थे वो सादे आते थे, इस बार आप देख सकते हैं इसमें LED वाले ब्रेक लाइट्स दिए गए हैं। और यहाँ पर स्टेपनी के लिए
1.7 जो गाड़ी आती थी 1.3 के अंदर स्टेपनी उतारने के लिए कोई जुगाड़ नहीं था। इस बार इसके अंदर आप देख सकते हैं तो स्टेपनी उतारने के लिए भी और स्टेपनी का वो स्टैंड लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, ताकि टायर आसानी से नीचे उतर जाएगा एक रोड के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसकी चेचिस है पहले से काफ़ी मुझे हैवी लग रही है गाड़ी में, चेचिस की मोटाई काफ़ी बढ़ा दी गई है, 3 mm पूरी चेचिस इसकी दिख रही है गाड़ी के अंदर। और प्लस लंबाई के साथ साथ 9.5 feet का इसका चेचिस है, प्लस 10 feet की इसके ऊपर बॉडी है, 5 पीछे 2 पार्किंग सेंसर भी इसमें दिए गए हैं, रिवर्स लेने पर आपको अलर्ट कर दिया जाएगा। गाड़ी को आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार, और कार्गो बॉडी भी अच्छी खासी हैवी है। आप इस पर नॉर्मल आप इसको चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो आप कार्गो बॉडी लें। अगर आपका हैवी काम है, थोड़ा मटेरियल का काम है, तो आप इस पर चेचिस लें और मनचाही अपनी बॉडी बनवाएं। जैसे कि सुपर मोटर बॉडी, आप जानते होंगे सुपर मोटर बॉडी का काम, सुपर मोटर बॉडी से आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी मनचाही बॉडी बनवा सकते हैं। RTO अप्रूव्ड काम आपको करके दिया जाएगा। हमारा पता राजसमंद जिला काकरौली में है। अब हम आपको गाड़ी के बारे में और डिटेल बताते हैं। गाड़ी का अंदर का इंटीरियर आपको दिखाने वाले हैं। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर हम आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहला आप देखेंगे तो ड्राइविंग जो सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल पूरी सीटिंग दी गई है, और +1 +2 यानी कि ड्राइवर के अलावा 2 सवारी और इसमें आप बैठा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, दो बंदे और बैठ सकते हैं इसमें। गाड़ी का डैशबोर्ड वगैरह पूरा चेंज कर दिया है गाड़ी के अंदर। देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले लगाने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है, आप इसमें एंड्रॉयड प्लेयर वगैरह भी लगवा सकते हैं और कंपनी का जो प्लेयर आता है वो भी लगवा सकते हैं। साउंड सिस्टम यहाँ पर ब्लोअर का सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ पर ग्लोव बॉक्स के अंदर देख सकते हैं बड़ा सा ग्लोव बॉक्स वगैरह इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर 4 इंडिकेटर पार्किंग का यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है इसकी जो स्टेयरिंग दी है काफ़ी यूनिक और एकदम महिंद्रा की प्रीमियम जो बोलेरो के अंदर आती है वो स्टेयरिंग इसमें दी गई है। गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं तो पूरा मीटर इसका डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल मीटर के साथ साथ इसके अंदर काफ़ी फीचर्स ऐड किए हैं। सबसे बेस्ट फीचर किसी भी लोडिंग व्हीकल के अंदर आपने नहीं देखा होगा कि इसके अंदर ये जो गेट वगैरह इसका ओपन है तो यहाँ पर एक सिग्नल आ रहा है, गेट का सिग्नल आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है इससे पता चल रहा है आपका गेट ओपन है, बंद करूँगा तो ये सिग्नल गायब हो जाएगा। गाड़ी के अंदर 5-speed मैनुअल गियर दिए हुए हैं, 1 रिवर्स के साथ, इसके अंदर 6 गियर टोटल हो चुके हैं। गाड़ी के अंदर एक बेस्ट पार्ट, अभी तक का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि इसके अंदर जो एक कटआउट का सिस्टम दिया गया है, इसके अंदर ये कटआउट इतना काम का है कि इससे आप पूरी गाड़ी का कनेक्शन बंद कर सकते हैं। आपको बैटरी वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी ज़रूरत करने की, सिर्फ इसको मूव करना है आपको और पूरी गाड़ी का कनेक्शन कट जाएगा, यानी कि कटआउट का काम करेगा। गाड़ी के अंदर स्पेसफुल है, देख सकते हैं छत वगैरह काफ़ी स्पेस है, 6 feet की हाइट होने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा केबिन दिया हुआ है बोलेरो का। और प्लस यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं इस बार इसके अंदर स्लाइडिंग वाली विंडो आपको मिल रही है। पहले की जो बोलेरो पिकअप आती थी उसके अंदर पूरा ग्लास पैक था, इस बार आपको देख सकते हैं कि स्लाइडिंग वाली विंडो मिल रही है, तो आप गर्मी वगैरह लगे तो पीछे आप इसको खोल के भी बैठ सकते हैं। तो ये था पूरा इंटीरियर इसका कंप्लीट शानदार, और गाड़ी का रिव्यू बाहर से आप देख सकते हैं इसको काफ़ी शानदार है। और उसके बाद आप देखेंगे तो गाड़ी के अंदर बेस्ट पार्ट है, मैं आपको उतर के बताता हूँ। गाड़ी के अंदर जैसे आप एंटर लेते हैं, गाड़ी की हाइट काफ़ी बढ़ गई है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक हैंडल दिया गया है जिससे आप आसानी से ऊपर एंटर मार सकते हैं। इस तरीके से आप इस हैंडल को पकड़ के चढ़ सकते हैं, तो ये एक बेस्ट पार्ट और आपको इसमें मिलने वाला है। अब इसका बोनेट खोल के देख सकते हैं, तो आप इसका बोनेट में अंदर जो इंजन है इसका, इंजन के अंदर भी आपको पर किट दिया हुआ है, और यहाँ पर एक नया ऑप्शन दिया गया है। पहली बार देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एक लाइट दी गई है आपको, कि आपको टॉर्च लगानी नहीं पड़ेगी, आप खड़े होकर आप बोनेट खोलेंगे यहाँ पर ही इसका कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप लाइट ऑन करके अपना काम कर सकते हैं, फ्यूल वगैरह देख सकते हैं, ऑयल चेंज कर सकते हैं और कूलेंट वगैरह। से लोगों की ये सोच होती है कि भाई साहब 9 feet का हमें चेचिस मिला है, 10 feet की हमें गाड़ी मिली है, तो मार्केट में हम 12 feet की बॉडी बनवा लेंगे, 10 feet की बॉडी बनवा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बॉडी अगर आपको कार्गो बॉडी RTO ने, कंपनी ने, महिंद्रा ने आपको अगर 10 feet का डाला दिया है तो आप 10 feet की ही बॉडी बनवा सकते हैं, आप अनलीगल तरीके से बॉडी नहीं बनवा सकते। 10 feet की बॉडी को आप 11 feet 12 feet नहीं बनवा सकते। चौड़ाई जो इसकी दी गई है 6 feet है, तो 6 feet ही आप इसकी रख सकते हैं, आप अनलीगल मनचाही बॉडी इसमें नहीं बना सकते। RTO के दायरे में रहकर आप काम करवाएं और अच्छा बॉडी मेकर चुनें, आप अच्छी जगह बॉडी बनवाएं जहाँ पर RTO के नियम अनुसार काम होता है, जिसके पास बॉडी का सर्टिफिकेट होता है
उस बोरी मेकर से आप काम करवाएं, आप इधर उधर बोरी बनवा लेते हैं, फिर आपकी जब गाड़ी पासिंग होती है तो पासिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, जो कि इन सब की तोड़ निकाल कर सुपर मोटर बोरी है राजस्थान के अंदर, राजसमंद जिला कांकरौली के अंदर, जो आपको एक बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि वहाँ पर आपको अच्छी से अच्छी बोरियाँ बनाई जाएगी, जिस प्रकार से आप बोरी बनवाना चाहते हैं, या तो कंटेनर लोडिंग होगी, हाइड्रोलिक सिस्टम वाली बोरी हो, पैक कंटेनर हो गया, मिल्क वैन हो गई, फूड वैन हो गई, आप मनचाही बोरी आप वहाँ पर बनवा सकते हो। तो सुपर मोटर बोरी पर आप जाएँ, वहाँ पर आपको लीगल तरीके से काम मिलेगा और उसी के साथ साथ आपको बोरी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो कि बहुत सारे बोरी मेकर के पास नहीं रहता है। बोरी सर्टिफिकेट 22 नंबर फॉर्म इतना इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनचाही लोग बोरी बना लेते हैं जो पासिंग नहीं होती गाड़ियाँ। तो हम आपको एकदम व्यवस्थित और तरीके से जीनियन काम करके देंगे। सुपर मोटर बोरी, जो सुपर मोटर बोरी जो काम करता है वो पूरा आरटीओ के दायरे में रहकर करता है, आपको एक बेस्ट क्वालिटी की गाड़ी हम बना कर देंगे और बिना किसी फॉल्ट के। गाड़ी की लंबाई चौड़ाई एक्यूरेसी में काम होता है, फैसिलिटी से काम होता है और बहुत ही सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलेगी, हर एक तरीके से आप गाड़ी को बनवा सकते हैं। तो ये था सुपर मोटर बॉडी का एक छोटा सा इंट्रो हमारी इस वीडियो में। गाड़ी आपके सामने खड़ी है, देख सकते हैं पूरा का पूरा 10 फीट का एक लोडर आपके सामने खड़ा हुआ है। हाइट देख सकते हैं, काफ़ी हाइट है भाई साहब, 6 फीट मेरे बराबर आ गया है, तो 6 फीट की इसकी पूरी लेंथ हो चुकी है। महिंद्रा बोलेरो पिकअप ने जान डाल ली है मार्केट में, इस बार इसके मुकाबले कोई कंपेयर में गाड़ी अभी तक तो हमें नहीं दिखी है, क्योंकि गाड़ी बहुत ही शानदार बनाई है। गाड़ी के अंदर हर एक चीज़ बेस्ट लगी है, हैवी कर दिया, केबिन भी काफ़ी मजबूत है और हर एक चीज़, जैसे कि चेचिस सबसे मेन चीज़ होती है, टायर, चेचिस, इंजन, तीनों चीज़ें इसमें बहुत बेस्ट लगी मुझे। और बॉडी की लंबाई बढ़ाकर कस्टमर का काफ़ी फ़ायदा किया है, डाले को 10 फीट करके काफ़ी बेस्ट कस्टमरों का काफ़ी फ़ायदा होगा और पेलोड बढ़ाकर सबसे बढ़िया किया है, क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि 12 क्विंटल की 13 क्विंटल की गाड़ियाँ लेते हैं, उसमें फिर वो पेलोड इतना हो नहीं पाता है। 2 टन की गाड़ी लेंगे आप, 2 टन माल इसमें आराम से भर सकते हैं बिंदास, बिना झिझक के 2 टन आप इसमें माल भरें, आराम से इसको चलाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डीलर पर जाएँ, हम ये गाड़ी नहीं बेच रहे हैं, गाड़ी आप महिंद्रा से ले सकते हैं। महिंद्रा में आप जाएँ तो आपको नज़दीक जो आसपास आपके डीलर हैं वहाँ पर आप जाएँ और अपनी गाड़ी का बुक कराएं, आज ही बुक कराएं। नया लेटेस्ट वर्जन है, बिल्कुल अभी हाल ही लॉन्च हुआ है, कल परसों लॉन्च हुआ गाड़ी और हमारे पास आ गया है गाड़ी, राजस्थान के अंदर पहली गाड़ी हमारे पास आया बनने के लिए सुपर मोटर बॉडी पे। गाड़ी लॉन्च हुआ अगले ही दिन सीधा सुपर मोटर बॉडी पे बनने आया, गाड़ी भी काफ़ी दूर से आई हमारे पास बनने के लिए, लोकल गाड़ी नहीं है, काफ़ी दूर से हमारे पास बनने के लिए आई, पूरे राजस्थान की पहली गाड़ी थी जो लॉन्चिंग के दिन ही हमारे पास आ गई थी। तो इस प्रकार से हम काम करते हैं और ये जो वीडियो है हमने बनाई आपके लिए बनाई, क्योंकि आप देखेंगे ये गाड़ियाँ कैसी लॉन्च हो रही है, कौन कौन सी गाड़ी आपको लेने चाहिए। तो ये गाड़ी बहुत ही शानदार लगी है। तो कुछ इस तरह से हमने आज महिंद्रा बोलेरो मैक्स 2.0 का रिव्यू किया और आपको पसंद आया हो, हमारी छोटी मोटी जानकारी हमने आपको देने की पूरी कोशिश की है, जितना हो सका हमने आपको बताया इस गाड़ी के बारे में। और तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है ना तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिया करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो आप, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो भी लाएंगे, फुल वीडियो भी बनाएंगे, रिव्यू भी करेंगे आपके लिए, हर गाड़ी का रिव्यू करेंगे। आने वाली वीडियो बहुत सारी आने वाली है, टाटा की भी आने वाली है, महिंद्रा की भी आने वाली है, और इसके लिए आप तैयार रहें। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और अगर आप बॉडी मेकिंग करवाना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल करें। थैंक यू, जय हिंद।